तो जी नमस्कार दोस्तों, सच में डिमांड बढ़ जाता है जब खेसारी लाल यादव जी का हाथ जिस पे पड़ जाता है। इसका जीता जागता सबूत है नेपाल की रहने वाली सोमिया पोखरेल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, अपने हाथ पे महज एक खेसारी लाल यादव जी का टैटू बनवा ली। यही देखकर खेसारी लाल यादव जी ने इन पे हाथ फेर दिया, मतलब कि इनको अपने आने वाले एल्बम में इनको मौका दे दिया। उस एल्बम का नाम था हरदी लागे जान के। दोस्तों इसके बाद तो इन सोमिया पोखरेल का सच में डिमांड बढ़ गया, कभी प्रमोद प्रेमी यादव के साथ तो कभी खेसारी लाल यादव जी के साथ तो कभी चंदन चंचल जी के साथ इनका गाना आने लग गया। इतना ही नहीं दोस्तों, सोमिया पोखरेल जी का ये वाला वीडियो देख करके आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या हो गया, तो मैं आप लोगों से बता दूं कि इनकी एक फिल्म भी आ चुकी है जिसका नाम है एसिड अटैक। सोमिया पोखरेल जी का एसिड अटैक नाम की ये फिल्म एक सामाजिक फिल्म है और इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि समाज में कुछ मनचले लड़के कुछ लड़कियों को छेड़ते हैं और लड़की उनसे प्यार न करे तो ये लड़की का चेहरा खराब कर देते हैं, उस पे एसिड फेंक देते हैं यानी तेजाब फेंक देते हैं। उसके आगे क्या होता है आप फिल्म देख करके खुद जान जाएंगे। और लास्ट में मैं लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सच में खेसारी लाल यादव जी का हाथ जिस पे पड़ जाता है उसका मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है।